राधे राधे फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम अपने जो मंदिर का है, मैं आपके साथ नाइट रूटीन जो है वो शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, रात्रि का जो है वो भोग हो चुका है, हमारे युगल सरकार ने और लड्डू गोपाल रात्रि का भोग कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ जो है रात्रि का जो है सफाई कैसे करती हूँ मैं अपने मंदिर की, आज मैं वो शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, सुबह तो उठ के सब सफाई करते ही हम अपने मंदिर की, लेकिन मैं शायद आप भी करते होंगे, रात्रि को भी सोने से पहले पूरे मंदिर को साफ करके सोती हूँ, क्योंकि राधा रानी को सफाई बहुत पसंद है। तो देखिए मैं रात्रि को कैसे कैसे अपने मंदिर की क्या क्या सफाइयाँ करके सोती हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो जिन बर्तनों में मैं पूजा करती हूँ, वो बर्तन मैं उठा के बाहर रख देती हूँ, जिससे सुबह के टाइम जो है मैं अपने लड्डू गोपाल को उठाने से पहले उन्हें साफ कर लेती हूँ। और ये जो प्रसाद में की जो कटोरी है, ये भी मैं बाहर रख देती हूँ। सभी बर्तनों को मैं उठाने से पहले अच्छे से धो देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने जो है वो पानी बदल दिया है अपने लड्डू गोपाल का रात्रि के लिए, और जो है मटकी में जो इनके कमरे में पानी है वो भी मैं रात्रि को डेली जो है वो बदल देती हूँ। ये रूम जिसका मैंने पहले से ही टूर आपको करा रखा है फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब हल्की हल्की ठंड आ गई है, बारिश का मौसम, आज काफ़ी बारिश आई थी, तो ये मैं कुछ जो है न्यू ब्लैंकेट लाई थी खरीद के अपने युगल सरकार के लिए। तो मैंने हल्की चादर के साथ साथ दोनों के लिए ये थोड़े से हल्के गर्म ब्लैंकेट भी रख दिए हैं। और फिर ये जो कपड़ा है ये हमेशा मटकी के नीचे रखा रहता है, और रात्रि को जब भी हम सफाई करते हैं तो रूम की इस कपड़े से मैं पूरे रूम की जो है उनकी सफाई करती हूँ। रात को हल्का हल्का मैं पोंछ देती हूँ, और ये नमकीन मैंने रख रखी है, अगर मेरे कन्हैया को भूख लगे तो वो खा सके। ये कपड़ा हमेशा ही रहता, क्योंकि अक्सर क्या होता है, कई बार हम मटकी में जब जैसे ही पानी रखते हैं तो हल्का सा कई बार गीले होने की वजह से नीचे टपकने लगता है, तो ये कपड़ा यहाँ पे हर वक्त रखा रहता है। और रात्रि को सोने से पहले डेली मैं यहाँ पे जो है इत्र जरूर छिड़कती हूँ, क्योंकि हमारे कान्हा जी को इत्र बहुत पसंद है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, और उसके बाद ये जो मेरी पूजा का स्टूल है वो मैं यहाँ साइड में रख दूंगी, और जो ये बैठने का आसन है इसे भी हम झाड़ के अपना बाहर रख देंगे। और उसके पश्चात फ्रेंड्स, ये जो ब्रश है ये सफाई का ही ब्रश है। रात को मैं यदि हमारी जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं कान्हा जी को हवा, अगर हमने हर रोज साफ करते रहें तो इनमें धूल मिट्टी नहीं आती, और फिर हमें डीप क्लीनिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती अगर हम डेली सफाई करते रहें। फ्रेंड्स, अगर आपके घर पर भी युगल सरकार हैं तो आप भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अगर आपकी तबीयत सही है तो डेली सफाई करें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सब हम लोग ज़्यादा बिजी होने की वजह से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफाई नहीं कर पाते, पर हमें हल्की सफाई तो डेली रूटीन में करनी ही चाहिए, जिससे ये खिड़कियाँ जो हैं फिर वो कभी भी गंदी नहीं होती। तो देखिए ये ब्रश मेरा सफाई का ही है। इसके बाद मेरा ये कपड़ा है, ये इस रूम को मैं जो है मंदिर में पोछा लगाने के लिए अभी मैं इसे गीला करके लाती हूँ। मैं डेली रात को पोछा लगा के सोती हूँ मंदिर में। वैसे तो रात को सफाई नहीं करते घर में तो, मगर ये भगवान जी का घर है, भगवान का मंदिर है, इसमें हमें रात्रि को भी जरूर जो है वो पोछा लगा के सोना चाहिए। आपने देखा भी होगा बाकी बिहारी मंदिर या फिर आप बरसाना गए हैं वहाँ मंदिर में भी डेली रात्रि को सफाई होती है। तो हमें अपने मंदिर में रात्रि को पोछा जरूर लगा के और सुबह के समय भी जरूर लगाना चाहिए। मंदिर हमेशा महकता और साफ सुथरा होना चाहिए। फ्रेंड्स, हर बार में सफाई करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोती हूँ, क्योंकि ये भगवान का घर है, हमें अपनी स्वच्छता का अपनी स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। हर बार सफाई के बाद हम नहा तो नहीं सकते, मगर अपने हाथों को तो हम अच्छे से साबुन से धो ही सकते हैं। और
और फ्रेंड्स जैसे मैंने अपने टूल में दिखाया था, ये जो मेरा ब्रश है ये भी मेरी सफाई पर्पस के काम आता है। तो जो भी मैंने यहाँ पर मेरे भगवान जी की मूर्तियाँ हैं ये उनको साफ करने के लिए मैंने उनके वस्त्र इत्यादि साफ करने के लिए रख रखा है, जिससे कभी भी हमारे जो बिखरे और मूर्तियाँ उन पर कभी भी धूल नहीं आती। तो ये जो ब्रश है इनसे मैं अपने सारे जो मंदिर में मेरे भगवान जी हैं उनकी अच्छे से सफाई कर देती हूँ इस ब्रश से। फ्रेंड्स हम कपड़े से भी कर सकते हैं मगर ब्रश से साफ करना ज़्यादा इजी रहता है, और कपड़े से कई बार स्क्रैचेस के निशान आ जाते हैं और इससे धूल भी बहुत अच्छे से हट जाती है। आप ला के करके देखिए एक बार ब्रश से, बहुत अच्छे से धूल हट जाएगी। देखिए हमने सारे विग्रह साफ कर दिए हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये ब्रश में रख दूंगी और जो है इसमें मेरे सफाई के भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं, जिसमें कि मैं ये सफाई का कपड़ा निकालती हूँ। अलग अलग मैंने हैंकी बनाए हुए हैं और इसके बाद हमारा जो ये मंदिर है इसको हम मैं अच्छे से पोंछ दूंगी। फ्रेंड्स ये सब काम करने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है मुझे। अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो एक बात बतानी पड़ रही है, वरना मुश्किल से 5 मिनट में रही ये सफाई रात्रि को हो जाती है। साफ मंदिर में बड़ा मन लगता है, आप कई घंटे कहाँ भी बीत गए हमें पता भी नहीं चलता, मंदिर में बैठे तो बड़ा मन शांत होता है बैठ कर। फ्रेंड्स लगभग मेरी सफाई जो है रात की कंप्लीट हो गई है, और जो अब ये जो कपड़े होते हैं सफाई के फ्रेंड्स इन्हें हाथ से हाथ में धो के रख देती हूँ। अगर मैं इन्हें ऐसे ही रख दूंगी तो ये गंदे हो जाएंगे, और गंदे कपड़ों से भी हमें अपने मंदिर की सफाई नहीं करनी चाहिए। तो जो भी कपड़ा आप इस्तेमाल करें उसे हाथ के हाथ साफ करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैंने ये अपने मंदिर के सामने ही ये टांग रखा है, इसमें मैं जो है जो भी कपड़ा मैं धुलती हूँ हाथ के हाथ इसमें क्लिप्स में हैंग कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये आज का सिर्फ मैंने सफाई रूटीन की जो है वो वीडियो शेयर की आपके साथ। वैसे तो अभी मुझे कान्हा जी को नाइट सूट पहना के जो है अपने लड्डू गोपाल को और फिर इन्हें शयन से दूध पिलाकर इनको शयन कराना है। तो आज मैंने सिर्फ सफाई की वीडियो आपके साथ शेयर की है, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। राधे राधे दोस्तों।